उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। पार्टियां अपनी रणनीति मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इस बीच खबर आई है कि मनोज कुमार पांडे ने चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा से विधायक हैं। अखिलेश यादव की सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल माइक्रोसाइट एक्स पर राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने लिखा है, हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ है और कौन अंतरात्मा से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटें हैं, भाजपा की तरफ से 8 दावेदार हैं और सपा की तरफ से 3। बड़े आराम से भाजपा 7 और सपा 3 सांसद मैदान में उतारती, कोई मुकाबला नहीं होता। मगर भाजपा ने अचानक 8वां कैंडिडेट उतार दिया, जिसका नाम है संजय सेठ। वहीं से मामला फंस गया। अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर 3 सांसद राज्यसभा भेजना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी यूपी से 8 सांसद किसी भी कीमत पर राज्यसभा भेजना चाहती है। इसके लिए साम दाम दंड भेद सबकी आजमाइश हो गई है। सूत्रों की माने तो सपा के 10 विधायक 8वीं सीट के लिए बीजेपी के संपर्क में थे और पार्टी के लिए क्रॉस वोटिंग वो कर सकते हैं। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने तो भाजपा के लिए क्रॉस वोटिंग कर भी दी और वोट करते ही जय श्री राम का नारा भी लगाया। ये आपको कैसे पता कि भारतीय जनता पार्टी के अंतरात्मा के आवाज पे वोट किया है? वोट पे अपना विचार होता है, अपने विचारों पे वोट किया है। ये कौन कह रहा है आपसे? देखिए कोई हिप नहीं होती इसमें। जिसको मुझे जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको मैंने वोट किया इसमें। कैंडिडेट अच्छा लगा सर? अब ये वोट बताया थोड़ो जाता है। वहाँ ये गाइडलाइन में है, नियमावली में है कि ना तो वोट दिखाया जाता है ना वोट बताया जाता है। लेकिन नहीं, केवल एजेंट के अलावा, व्यक्तिगत एजेंट के अलावा दूसरे किसी को वोट नहीं दिखाया जा सकता ना बताया जा सकता है। ये अभी 3 घंटे बाद पता चल जाएगा कौन जीत रहा है। काउंटिंग के पहले कैसे बता सकता हूँ कौन जीत रहा है? मैं अकेला हूँ, अकेले वोट दे के आया हूँ। मैं अकेले गया हूँ, अकेले वोट देने का अधिकार है, अकेले वोट दे के आ रहा हूँ। आप सुबह से देखे होंगे सारे विधायक इसी तरह लाइन में लगे थे। यहाँ दल देख के लाइन नहीं लगती है। ये बताया नहीं जा सकता कि किसको वोट किया है, कोई हिट नहीं है, अकेले नहीं। एक बात, ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।